जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पूरा गांव, हमारा पूरा क्षेत्र, हमारे और भी भाई आए हैं, ये पूरे क्षेत्र से जो हमारा जो इनका धीरे धीरे करके जुड़ाव होगा, और फिर मैं इसकी अगर अगुवाई करूंगा, दो दिन चार दिन का टाइम है इनके पास, तो हम अपने माँ को जोड़ने का भी काम करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। दोनों मांग बिल्कुल वाजिब है, और मैं सरकार को कड़े शब्दों में सताने का काम करता हूँ कि कारवां जो चलता है उसके अंदर धीरे धीरे करके कारवां आगे बढ़ता है, और उस कारवां के पीछे आदमी जुड़ते चले जाते हैं, और सरकार का हमारे को पहले भी पता है कि अगर हम इसमें एक बार जुड़ गए, हम तो जुड़ तो गए हम, और इस कमेटी के बैनर तले ये प्रोग्राम ये इसका इनका अमरनाथ चलता रहेगा, लेकिन अगर इनके साथ कोई भी चूक होगी तो सरकार को बहुत भारी पड़ेगा मामला। सरकार ये सोचती है कि हम हल्के में हैं, बिल्कुल हल्के में नहीं है, हमारे अंदर इतनी जान है, इस गांव के लिए अगर हमें अपने प्राण भी देने पड़ेंगे तो हम प्राण देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। कुछ नहीं फर्क पड़ता, हमें इतनी तो शांति होगी कि हमने अपने गांव के लिए अपने प्राण त्याग दिए। सरकार अगर ये चाहते हैं कि प्राण त्यागने हैं तो हम यहाँ पे प्राण त्यागने के लिए ही बैठे, या तो सरकार काम करे, और काम नहीं करेगी कोई दिक्कत नहीं है, हम यहीं पे बैठे हुए हैं, हमारे बढ़ने के बाद में आएगी, बाद में काम तो होगा। चौटाला के जो छोटे भाई है, उनके पिताजी अजय चौटाला जी थे, उनको भी एक जो फोटो कॉपी थी हमने दी, और उन्होंने आश्वासन दिया था दिग्विजय सिंह ने, भाई हम मैं इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करता हूँ। लगातार सात साल पहले हमने डीसी साहब से लेकर और हरियाणा के कृषि मंत्री उन पर बात कर रहे थे, उनको भी कई बार ये उसकी संज्ञा में डाला गया, और दूसरा 2021 में 12/11/2021 को भी हमने खून से लेटर लिखा था और SDM साहब को दिया था। SDM साहब ने आश्वासन दिया था कि भी हमें इस काम को जल्दी से जल्दी करवाऊंगा। दोस्तों नमस्कार, इस समय मैं मौजूद हूँ जहांगीरपुर गांव में। आपको बता दें कि जहांगीरपुर गांव में रोड और छोड़ की मांग को लेकर के युवाओं ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। आज आमरण अनशन का तीसरा दिन है। हम जहांगीरपुर गांव के इस समय धरना स्थल पर मौजूद हैं, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण और गणमान्य लोग यहां पर मौजूद हैं। पूरा मामला क्या है, पूरा वाक्या क्या है, और क्यों आमरण अनशन की नौबत आई है, क्यों जहांगीरपुर के युवा अपनी जान जोखिम में डालकर आमरण अनशन तक पहुंचे हैं, सारी हकीकत को जानेंगे, उन्हीं के मुख से सुनेंगे कि क्यों यह नौबत आई, क्यों आमरण अनशन तक पहुंचे हैं जहांगीरपुर के युवा। अनिल काद्यान और दीपक शर्मा दो युवा हैं जिन्होंने आमरण अनशन की घोषणा की है। आज तीसरा दिन है, 15 अगस्त को इन्होंने आमरण अनशन शुरू किया था। तो सबसे पहले हम बात अनिल काद्यान से शुरू करते हैं। अनिल भाई, आमरण अनशन एक बहुत बड़ा फैसला है, और क्यों यह स्थिति आई कि आप लोगों को आमरण अनशन पर बैठना पड़ा, और क्या आप लोगों की मांगों को लेकर के आज आप आमरण अनशन पर? नमस्कार। नमस्कार जी। हमारी मांग, मुख्य मांग 2017 से यही है, रोड और जोड़ की, जो कि हमारे गांव के बीच में एक रोड है, उसमें कैंसर के मरीज इतने होते हैं, उसके आसपास कम से 60-70 तो अभी फिलहाल मौजूद है, ठीक है। और सरकार को बार बार फोन से पत्र लिखा हमने 3-4 बार, ठीक है, SDM साहब से मिले हैं, लेकिन कोई भी उन्होंने संतुष्टि से कोई भी जवाब नहीं दिया। तीसरी बार हम अनशन पर बैठे। चलिए, ये बात है झोड़ की, इसके अलावा और क्या मुख्य मांगे हैं दीपक भाई, जो आमरण अनशन की नौबत आई है, क्या क्या कहना चाहेंगे? भाई सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ कि आप इस धरना स्थल पर पहुंचे जी। हमारी डिमांड तो शुरू से ही हमें एक बात कही थी कि दो चीजें हैं जो झोड़, जैसे कि अनिल जी ने बताया कि झोड़ की जो समस्या थी गाँव के अंदर, कैंसर की बीमारी फैल रही है, लोग बीमार हो रहे हैं। अभी नियर नजदीक में अभी आप देखोगे तो 2 दिन पहले भी एक व्यक्ति की डेथ हुई जिसकी कैंसर हुई है। तो हमें सरकार से एक ही चीज है कि हमारी इस डिमांड को पूरा करा जाए, पैसा सैंक्शन करा जाए, ठीक है ना, उसके बाद ही हम अपना निर्णय, जो गांव जो निर्णय लेगा उसके हिसाब से हम अपना काम करेंगे। छोड़ के अलावा और दूसरी कौन सी मांग है दीपक जी? छोड़ के अलावा दूसरा है जहांगीरपुर से पासोर गाँव तक का जो रोड का है, जो लंबे समय से सरकार ने किसी कारणवश उसमें लटका रखा है, तो उसके लिए हमने हमेशा प्रयास किए, हर तरह से हमने पत्र लिखे, यहाँ तक कि हमने जचर गेस्ट हाउस में हमने ऑलरेडी डिप्टी सीएम साहब से भी मिलने की कोशिश की और उनको भी दिया हमने, ठीक है ना, उसके बावजूद भी इस काम को सरकार हल्के में ले रही है। गांव की समस्या है, गांव को एक गांव से दूसरे गांव में जाना पड़ता है, तो हमारा जो रास्ता है उस रास्ते को निकलवा के और हमारे इस काम को पूरा करवाए।
हमारा कहने का मतलब सिर्फ यही है और सरकार को बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद अगर सरकार नहीं मानती है कोई दिक्कत नहीं है। आज आमरण अनशन का दूसरा तीसरा दिन है और ये लंबा चलता जाएगा। लोगों का सहयोग हमें मिल रहा है और लोगों का सहयोग हमारी ताकत है, ठीक है ना। हमारे साथ में सारे भाई आसपास के जो गांव के लोग हैं वो भी हमारे पास में यहाँ पे आ रहे हैं धरना स्थल पर। तो हमारा कहने का सरकार से एक ही चीज है, हमें आश्वासन बिल्कुल नहीं चाहिए। आश्वासन सरकार ने दे दिया है, इस बार चाहे 10 दिन चलता हो, 5 दिन चलता हो, 4 दिन चलता हो, चाहे हमारी इसके अंदर जान जाती हो, हम जान देने के लिए भी इस गांव के लिए तैयार है। लेकिन गांव के लोगों को किसी तरह की आंच ना आए, कोई बीमारी से ना मरे, उसके लिए हम यहां पे बैठे। रोड और जोड़ की मांग को लेकर के आमरण अनशन पर बैठे दोनों युवाओं से हमने बात की है। अब शहीद भगत सिंह क्रिकेट समिति के अध्यक्ष सत्य प्रकाश गुड़िया हमारे साथ है, उनसे भी जानेंगे। शहीद भगत सिंह क्रिकेट समिति के सदस्य हैं दोनों, आपसे जुड़े रहे हैं। और यह सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा सत्य भाई, ये मांग कितनी पुरानी है और क्यों यह नोबता आई? भाई बात ये मांग कम से कम 7 साल पहले की मांग, लगातार 7 साल पहले हमें डीसी साहब से लेकर और हमारे जो हरियाणा के कृषि मंत्री उन पर ताकत करते थे उनको भी कई बार भी संज्ञान में डाला गया। और दूसरा 2021 में 12/11/2021 को भी हमने खून से लेटर लिखा था और SDM साहब को दिया था। SDM साहब ने आश्वासन दिया था कि भी हमें इस काम को जल्दी से जल्दी करवाऊंगा, लेकिन उसके उस पर कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद में फिर हड़ताल में बैठे, SDM साहब आए, आश्वासन दिया। आश्वासन देने के बाद उन्होंने इनका अनशन करवाया और पूरा गाँव राज्य हुआ चलो ये काम तो होगा, लेकिन वो काम फिर भी नहीं हुआ। अभी 13/7/2022 को फिर एक लेटर दिया खून से लेकर हुआ, उसको देखा है। उसके बाद में एक भी ना 2 दिन थे, लेकिन उन्होंने उस बीच में कोई कार्रवाई नहीं करी। तो ये बैठने की नौबत यहाँ तक अभी आई। तो सतप्रकाश भाई, इस दौरान आप ज्ञापन देने के बाद जो 1 महीने 2 दिन का समय आपके पास था, उस दौरान आप किसी स्थानीय नेता या किसी अधिकारी वरिष्ठ अधिकारियों से या किसी अन्य नेताओं से भी मुलाकात हुई? नेताजी तो जैसे 2022 पर 7 जनवरी 2022 को PWD रेस्ट हाउस में भूषण चौटाला के जो छोटे भाई है उनके पिताजी अजय चौटाला जी थे, उनको भी एक जो फोटो कॉपी थी हमने उनको दी और उन्होंने आश्वासन दिया था दिग्विजय सिंह ने, भाई हम मैं इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करता हूँ और मैं जरूर इस पर ध्यान दूँगा। आगे की क्या रणनीति रहेगी? अब तक जो प्रशासन का रवैया रहा है उससे कितने संतुष्ट हैं, क्या समझते हैं, क्या आपकी मांग ये सही कानों तक पहुंच पाई है और क्या आपका इस पर क्या नजरिया है? अभी प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, कुछ लगता है शायद हरियाणा सरकार और प्रशासन के शायद इस काम को का समाधान करेंगे, क्योंकि कल वे यहाँ पर आए थे तो कुछ न कुछ थोड़ा बहुत उसमें जो 15 अगस्त का था 16 अगस्त में कुछ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस थी। तो शायद मेरे ख्याल में मैं मुख्यमंत्री जी से और प्रशासन से रिक्वेस्ट करूँगा इस काम को जल्दी से करें ताकि हमारे भाई जो भी काम धंधा वो करे और भाई काम की समस्या दूर। चलिए, और ये वर्षों पुरानी मांग बताई जा रही है, 7 साल पुरानी यह समस्या है जिसको लेकर के अक्सर जो ग्रामीण है वो आक्रोशित नजर आए हैं। आपको मैं बता दूं कि खून से पत्र लिख करके प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है, कई जिम्मेदार नेताओं से मुलाकात की जा चुकी है, बावजूद उसके समस्या जो की तो जस की तस बनी हुई है। और अब अंत में जांगीरपुर के युवाओं ने ये निर्णय लिया है, आमरण अनशन पर वो बैठ गए हैं। यहाँ कई पूर्व सरपंच भी हैं और गुड़िया खाप के माननीय जो अध्यक्ष है हमारे गुड़िया खाप 84 के चौधरी सुनील गुड़िया जांगीरपुर, वो स्वयं यहाँ पर मौजूद है। कई अन्य स्थानीय नेता भी यहाँ पर लगातार उनका जो समर्थन का सिलसिला है वो जारी है। और जैसा कि सतप्रकाश जी जो शहीद भगत सिंह ब्रिगेड समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि स्वयं SDM महोदय और बड़े आला प्रशासनिक अधिकारी भी यहां पर पहुंच चुके हैं और आश्वासन लगातार दिया जा रहा है। इस पे भी चर्चा करेंगे कि इस आश्वासन को लेकर के उनकी क्या रणनीति रहेगी और कितने संतुष्ट हैं। सरजीत गुलिया से जान लेते हैं। सरजीत जी, है लगभग तीसरा चौथा बड़ा संघर्ष है जांगीरपुर के युवाओं के द्वारा, तो क्या समझते हैं आप? जी, और ये हमारा जो है पिछले 7 साल से संघर्ष जारी है, जो हमारे गांव की शहीद भगत सिंह कमेटी है उसके हम मेंबर भी हैं और इन्होंने हर बार सरकार को ये नहीं कि सीधा हम अनशन पे बैठ के आंदोलन किया हमने,
हमने हर बार जो है पहले ज्ञापन के माध्यम से सरकार को प्रशासन को जगाने की कोशिश की है और बार बार उसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो तीन दिन चार दिन पहले गांव के अंदर एक पंचायत की गई थी और गांव के बुजुर्ग और नौजवान साथी सभी वहां थे। उन्होंने जो है एक आवाज में कहा है अभी जब तक इसका समाधान नहीं हो जाएगा तब तक जो है हम जो हमारे युवा साथी हैं अनिल कादियान जी दीपक शर्मा जी और पूरे गांव का इनके साथ में हर तरह से सहयोग रहेगा जब तक इसका प्रशासन और सरकार हमारे जो गांव के अंदर बीमारी फैल रही है या रोड को जोड़ने की बात है इनका समाधान नहीं हो जाता तब तक हम इसी तरह से बैठे रहेंगे। आपको लगता है उम्मीद है? हाँ हमारे को उम्मीद है प्रशासन ने चलो पिछले 7 साल से शुद्धि नहीं आई लेकिन अब कुछ उम्मीद थी 2 दिन से जो है प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आ रहे हैं बार बार में और हमारे को उम्मीद है जल्दी से जल्दी इसका जो है फैसला हो जाएगा। चलिए सुमेर सिंह कात्याल जी हैं जो शहीद भगत सिंह समिति से जुड़े रहे हैं, यह बड़ा तीसरा चौथा संघर्ष है युवाओं का, आपको क्या लगता है क्या समाधान होगा? संजय शर्मा में सबसे पहले स्वागत करता हूँ जी, धन्यवाद। बाकी जो है संघर्ष चल रहा है काफी दिनों से प्रयास चल रहे थे 1.5 साल का लेकिन प्रयास चला था एडीएम साहब ने आश्वासन दिया था कल 6 महीने टाइम दिया था उसमें जो ना कर पाए अब बार बार फिर ऐसा कोई काम नहीं होगा तब तक बाकी जो है संघर्ष ये काम ना होंगे जो संघर्ष चलता रहेगा। चलिए जब तक काम नहीं होंगे संघर्ष जारी रहेगा। हमारे साथ युवा मास्टर रणवीर गुलिया है जो बादली गांव से है वो स्वयं यहाँ पहुंचे हैं अपना समर्थन देने के लिए, उनका भी पक्ष जान लेते हैं। मास्टर जी क्या समझते हैं आप, बार बार जांगीपुर के युवा धरने पर बैठते हैं प्रदर्शन करते हैं और अब तो एक तरह से इंतहा कही जा सकती है, आम मरण अनशन एक ऐसा शब्द है जो युवाओं को जो अमरण अनशन पर बैठे हैं तो क्या स्थिति है आप किस नजरिए से देखते हैं? सरकार जो है संजय से पहले इस मुद्दे को उठाने के लिए मैं आपका और आपके चैनल का आपके समाचार पत्र का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जी धन्यवाद। जो समाचार क्यारी है वो आम जन के मुद्दे और जनता के मुद्दे उठाता रहता है जी, आपको धन्यवाद। ये जो समस्या है ये काफी लंबे समय से चली आ रही है और सरकार इस समस्या को इस तरह की हर गाँव की समस्याएं उनको सुनने को तैयार नहीं है। हमारे जो साथी हैं अनिल जी हैं दीपक जी हैं और जो गांव की शहीद भगत सिंह कमेटी है ये लोग जागरूक लोग हैं और प्रजातंत्र में विरोध भी करना अपना अधिकार है कि अपने अधिकार को जानते पहचानते हैं। विरोध के माध्यम से ये लोग अपने कामों को उन्होंने पहले भी सरकार को झुकाया है अपने बातें मनवाई हैं और आगे भी गांव और पास पड़ोस के सभी गाँव का साथ के साथ है क्योंकि ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रजातंत्र में हक की लड़ाई हर एक को लड़नी चाहिए। सरकार को जल्दी से जल्दी इस पे संज्ञान लेना चाहिए, इनकी सुध लेनी चाहिए। ये एक मैं तो इतना ही कहूँगा कि संघर्ष जो है वो लगातार जारी रहेगा और सभी गांव का साथ इन युवाओं के साथ है। चलिए सभी गांव का साथ रणवीर जी ने कहा है, मास्टर जी ने कि सभी आसपास के गांव का साथ भी इनको मिलने लगा है और अब ये मुहिम आसपास के गांव में पहुंचने लगी है। बादली से चलकर मास्टर रणवीर गुलिया पहुंचे हैं, गांव का क्या सहयोग रहेगा क्या रणनीति है? आप गांव के सरपंच पद के बाद उम्मीदवार भी हैं। जी गाँव के पंचायत ने जो है इकट्ठे करके भगत सिंह कमेटी और दीपक दोनों को अपोज किया गया और इन गांव ने इनको पूरा आश्वासन दिया तो गांव की पंचायत में तय किया गया कि 2 युवा बैठेंगे। गांव की पंचायत में कहा गया और उन्होंने गांव ने ये भी कहा कि तुम्हारे तन मन धन से तुम्हारे साथ है और हमारे 84 खाप का प्रधान सुनील जी यहाँ आकर उन्होंने भी कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी से सीखना नहीं कि कोई भी पार्टी अपना काम रखना है तो हमें उम्मीद है गाँव से भी और 84 खाप सुनील से भी के नाम से तन मन धन से तो सहयोग देंगे और इस काम को पूरा करेंगे। जी और देखिए यह मुहिम अब एक सामाजिक मुहिम बनती जा रही है, खापों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है जैसा कि जानकारी दी गई है। स्वयं गुड़िया खाप 84 के प्रधान चौधरी सुनील गुड़िया यहाँ पर मौजूद है, पूर्व सरपंच है जयपाल जी वो भी यहाँ पर पहुंचे अपना समर्थन देने के लिए। जयपाल जी क्या कहेंगे जो वर्तमान हालात आपके सामने है? नमस्कार जी, ये समस्या जो है ना ये काफी दिन से चल रही है और गांव में जो है ना बीमारी फैल रही है, झोड़ का पानी की कोई निकासी नहीं है गांव में, ना तो सफाई हो पाती गांव में और गांव की निकासी का
पानी का पानी की निकास तो है ही नहीं थी कहीं भी, तो काफी समय से जो है ना डिमांड है गांव के आदमियों की कि भाई उस गांव में भर्त करा दे और लड़कियों को का जो स्कूल है उसके पार्क का निर्माण करवाया जाए ताकि बच्चे खेलें और उस स्कूल में गर्ल्स स्कूल में एक तो ग्राउंड नहीं है और ये समस्या तो है ही काफ़ी। हमने भी जो है ना काफ़ी प्रयास किया पास और जहांगीरपुर से पास और गांव का रास्ता खालो जी वो बनवाने के लिए काफ़ी बार प्रयास किया लेकिन प्रशासन ने जो है ना हमारी नहीं सुनी। तो हम तो यही कहते हैं कि इन पंचायत की जो है ना गांव के आदमियों की मांग जो है जायज है जी। चलिए जायज मांग है। और अंत में अब मैं चौधरी सुनील गुलिया जी से जुड़ना चाहूंगा जो 84 गुलिया खाप के प्रधान है और बड़ा संयोग की बात है कि जहांगीरपुर उनका पैतृक गांव है और वो आज अपने गांव में इन युवाओं के साथ यहां बैठे नजर आए हैं। सुनील जी बड़ी भारी समस्या है आमरण अनशन को लेकर के बहुत बड़ा निर्णय लिया है आपके गाँव के युवाओं ने और आज तीसरा दिन है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा अपने गांव की शहीद भगत सिंह कमेटी का कि जो समय समय पर गांव की क्षेत्र की कहीं की भी कोई समस्या हो उस समस्या का निवारण करने के लिए उसका कदम उठाते हैं और आज बहुत ही दुखद बात है कि हमारे देश एक तरफ तो हमारा देश 15 अगस्त को 75 साल हमारे देश ने पूरे किए हैं और उसके अंदर जो है वो उसकी वर्षगांठ मना रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे देश का जो भविष्य है हमारे देश के जो युवा हैं वो बच्चे बहुत ही मतलब विकट स्थिति में है कि आज उन्होंने यहाँ आमरण अनशन का जो अपना निर्णय लिया है ये बहुत दुखद बात है और सरकार के लिए दुर्भाग्य की बात है जो कि आज इन युवाओं को जो काम करने की इनकी उम्र है उसके अंदर ये आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और ये बहुत ही सरकार के लिए बहुत छोटी सी एक रकम है जो इनकी मांग है वो बिल्कुल वाजिब मांगे हैं और उनके लिए बिल्कुल छोटा सा जो है काम है 5-7 करोड़ रुपए का काम ये बच्चे बता रहे हैं। विवरण इन्होंने कर ही दिया इनका कार्य इनकी मांग क्या है दो मांगे जी रोड और जोड़गी। हाँ रोड और जोड़गी बिल्कुल वाजिब मांग है जो वाजपेयी के टाइम की ग्रामीण जो है ना गाँव से गाँव को जोड़ने की योजना है और दूसरी हमारे जो जोड़ की समस्या है वो वास्तव में हमारे गांव के अंदर कैंसर के मरीज काफ़ी बढ़ चुके हैं और जोड़ हमारे गांव के बीच में और बीच में होने की वजह से उसके अंदर गंदगी फैलती है उससे बीमारियां फैलती है और वो जोड़ इतना बड़ा है कि अगर उसके अंदर पार्क बनाने का काम करें तो हमारे युवा जो बच्चे उनका जो है भविष्य और उनका स्वास्थ्य दोनों चीज़ों के अंदर मजबूत होने का काम होगा। व्यायाम करेंगे बच्चे और बुरी आदतों से बचेंगे वो दोनों चीज़ इनकी दोनों मांग बिल्कुल वाजिब है और मैं सरकार को कड़े शब्दों में सताने का काम करता हूँ कि कारवां जो चलता है उसके अंदर धीरे धीरे करके कारवां आगे बढ़ता है और उस कारवां के पीछे आदमी जुड़ते चले जाते हैं और सरकार का हमारे को पहले भी पता है कि अगर हम इसमें एक बार जुड़ गए हम तो जुड़ तो गए हम और इस कमेटी के बैनर तले ये प्रोग्राम ये इसका इनका आमरण अनशन चलता रहेगा लेकिन अगर इनके साथ कोई भी चूक होगी तो सरकार को बहुत भारी पड़ेगा मामला और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि सरकार जो है जागेगी और इनकी मांगों को मानने का काम करेगी। हमारा पूरा गांव हमारा पूरा क्षेत्र हमारे और भी भाई आए हैं ये पूरे क्षेत्र से जो हमारा जो इनका धीरे धीरे करके जुड़ाव होगा और फिर मैं इसकी अगर अगुवाई करूँगा 2-4 दिन का टाइम है इनके पास तो हम माप को जोड़ने का भी काम करेंगे। तो मैं कड़े शब्दों में सरकार को चतेता हूँ मैं कि वो जो है इसको मानने का काम करें जी। धन्यवाद। और देखिए आज जो स्थितियाँ हैं आज आप सबके सामने हैं आज जैसा कि सुनील गुलिया जी जो गुलिया 84 खाप के अध्यक्ष हैं विभिन्न सामाजिक आंदोलनों से जुड़े रहे हैं आज इन्होंने सरकार को कड़े शब्दों में चेताया भी है कि युवा जो इस देश के भविष्य के निर्माता है जो जिनको अपना काम करना चाहिए वो अपना काम धाम छोड़ करके यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हैं गांव की समस्या को लेकर के उनका यह है जो आमरण अनशन है ये तीसरे दिन में प्रवेश कर गया है। क्यों ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती है क्यों गांव वासियों को अपनी छोटी छोटी मांगों को लेकर के आमरण अनशन तक की नौबत आती है ये बड़ा प्रश्न है भारत देश जैसे एक बड़े लोकतंत्र के लिए जहाँ हम आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं वहीं आज गाँव की हालत ये है कि गाँव में
के बीच में गंदगी भरा तालाब है, बीमारियों का अंदेशा है, कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही हैं। गांव को एक दूसरे गांव से जोड़ने मात्र जोड़ने के लिए एक सड़क की आवश्यकता है, वो पूरी नहीं हो पा रही है। और जैसा कि 7 साल से लगातार ये समस्याएं चली आ रही है, ये एक बड़ा प्रश्न है सरकार में बैठे नेताओं के लिए, लोकतंत्र की प्रहरियों के लिए, तो तमाम उन भारतीयों के लिए जो आज बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, देश के विकास की बातें की जा रही हैं, उनके लिए एक बड़ी चुनौतियां हैं। आज गांव के क्या हालात हैं, आज आम ग्रामीण किस हालत में जी रहे हैं, दिल्ली जैसी देश की राजधानी के नजदीक के जहांगीरपुर गाँव जहाँ हालात ये है कि झोड़ की गंदगी से और गंदे पानी की निकासी से न होने से ग्रामीणों ने आमरण अनशन का फैसला किया है। तो अंत में मैं एक बार दीपक जी और अनिल कात्यान जी जो दो युवा हैं जिन्होंने आमरण अनशन का फैसला लिया है उनसे मैं एक बार बातचीत करना चाहूंगा। देखो भाई, निर्णय बड़ा कठोर है, बड़ा चुनौतियां हैं। आमरण अनशन का जो आपका फैसला है वो बहुत चुनौतीपूर्ण है, तो किस तरह से आज के हालात को देखते हुए और आप कितने क्या सोचा है आपने, किस तरह से तैयार हैं आप? मैं बताना चाहता हूँ कि अगर सरकार ये सोचती है कि भाई हम हल्के में हैं, बिल्कुल हल्के में नहीं है, हमारे अंदर इतनी जान है, इस गांव के लिए अगर हमें अपने प्राण भी देने पड़ेंगे तो हम प्राण देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। कुछ नहीं फर्क पड़ता, हमें इतनी तो शांति होगी कि हमने अपने गाँव के लिए अपने प्राण त्यागे। सरकार अगर ये चाहती है कि प्राण त्यागने हैं तो हम यहाँ पे प्राण त्यागने के लिए ही बैठे, या तो सरकार काम करे, और काम नहीं करेगी कोई दिक्कत नहीं है, हम यहीं पे बैठे हुए हैं, हमारे मरने के बाद में आएगी, बाद में काम तो होगा। सरकार को ये तो पता चलेगा कि काम भी ढंग से भी होता होगा, अगर हमारी बात नहीं मान लीजिए मत मानो, हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहाँ से जब ही उठेंगे कि जब अगर मान लिया कि ये दोनों चीजें सरकार के व्यक्ति यहाँ पे लेके आएंगे कि हाँ जी आपका ये काम हो गया, जब हमें शांति होगी, नहीं तो यहीं बैठे हुए यहीं अपने प्राण त्याग देंगे। बड़ा प्रश्न है, बड़ा बड़ा सवाल है, बड़ी विकट स्थिति है इस समय यह जहांगीरपुर गांव में। आज के हालात जो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर पूरी तरह से मन बना चुके हैं। जहांगीरपुर में पंचायत के बाद यह निर्णय लिया गया कि गांव के दो युवा यहां आमरण अनशन पर बैठेंगे और वो जो आपके सामने है, तीसरा दिन है आमरण अनशन को, या तीसरे दिन में प्रवेश कर चुके हैं। बड़ी चुनौती है सरकार के सामने भी, और बड़ी चुनौती है तमाम उन विकास का दंभ भरने वाले व्यक्तियों के सामने। एक चुनौती है कि किस तरह से आज गांव के हाल बद से बदतर होते जा रहे हैं, गांव की तरफ विकास, गांव के विकास की तरफ ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है।